Red FM presents India's number one RJ. एक बार फिर बजाओ। राजेश भैया ने फोन किया, कह रहे हैं रौनक भाई हम टॉपिक देना चाहते हैं, हमारी परचून की दुकान है और यही हमारा टॉपिक है कि हमारी दुकान में इतने प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्या कुछ इस पे मजे ले सकते हैं बउआ बन के? आप ये सुनिए। हेलो। हाँ जी नमस्ते अंकल। नमस्ते जी। बउआ बोल रही हूँ। अच्छा बोलिए। एक सर्वे के लिए फोन किया है। हाँ जी। आपके पास पेन होगा? पेन है। तो उससे मेरे को क्या फर्क, फोन पे से थोड़ी दोगे? तो पूछ क्यों रहा है? जी, मैं ये कह रहा हूँ आपके घर क्या क्या सामान है उसकी हम लोग लिस्ट बना दे। अच्छा। दाल है? है। चावल है? चावल है। सब्जी? सब्जी है। कौन सी सब्जी है? आलू है, टमाटर है। टमाटर भी है? है। कितना है टमाटर? डेढ़ किलो। डेढ़ किलो टमाटर? हाँ टमाटर है। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हो सकता है। अच्छा सॉरी बैड सेंस ऑफ ह्यूमर। मैं क्या कह रहा हूँ? क्या? अच्छा सूजी है? हाँ है, बहुत है। सूजी है? हाँ। फिर तो बहुत दर्द होता होगा यार। सूजी है? सूजी है। क्या गलत बोल रहे? मैंने पूछा सूजी है तो आपको दर्द तो होता ही होगा। तो सूजी खाने वाली? आई ना, आप ही ने बोला सूजी है। फोन क्यों किया? फोन क्यों? आप काटते हैं, फिर नहीं करूँगा। फोन करता रहेगा। सॉरी। सामान का लिस्ट? दूध है? दूध है। चीनी है? चीनी है। चीनी है। अच्छा उसको पकड़ के रखना, वो बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। हाँ तो ठीक है। बैड सेंस ऑफ ह्यूमर, दिमाग खा रहा है। सॉरी। अच्छा ब्रेड है? ब्रेड? ब्रेड? ब्रेड नहीं है। अच्छा एक और सूजी है? तो कहा तो था सूजी है। लेटने और बैठने में तकलीफ तो नहीं है? नहीं होती, तेरी तेरी होगी थोड़े दिन बाद। इतनी दर्द हो में घुस घुस के अंदर। आप ही ने बोला सूजी है। साले रामी सूजी है, बोल क्या करेगा पूरी। हेलो। हेलो जी, मैं सुरभि। कौन से? हाँ। गाली किसको दे रहे थे? वो ये लड़का वाला फोन कर रहा था। कौन लड़का दे रहा था? परेशान कौन रहा था? लड़का कोई परेशान नहीं, पूछो ना। तमीज से बात करो, आधा बैलेंस चूस लूंगी। अबे पूरा चूसना है ढंग से, चूसना है तो। चुप रहो। सॉरी बोला ना? सॉरी बोला ना। आपके एक ऑफर निकला था इसलिए बताना था आपको। अब बताओ क्या ऑफर है, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, अगर आप आज 200 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं तो आपको कुछ मिलेगा? क्या मिलेगा? एक सेकंड, वो लड़का बताएगा आपको। अरे जल्दी बताओ, जो भी बताएगा, टाइम नहीं, जल्दी दो। हाँ, 2 किलो सूजी मिलेगा। सूजी मिलेगी, बंदर दे दूंगा। हेलो। हाँ सूजी दे रहे हैं? मैं पूरी सुझा दूंगा तेरे साथ बैठी। इसको क्यों बोल रही थी सुडबी को? मैं बोलूंगा, ये भी तो दिमाग खा रही है। आज काट दिया फोन। हेलो, आप लोग याद रखिएगा कि जब भी आप लोग अगली बार हलवा बनाएं तो याद रखें कि सूजी हो। आज सॉरी। हेलो। रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ मंडे टू फ्राइडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। Red FM presents India's number one show with India's number one RJ. Morning number one bear, Ronak, Ronak. Morning number one bear, Ronak. Morning number one bear, Ronak, Ronak. Morning number one bear. एक बार फिर बजाओ। हवा से बातें करनी ना अच्छी बात नहीं है। गाड़ी धीरे चलाइए क्योंकि धीरे चलेंगे तो बार बार मिलेंगे, तेज चलेंगे तो हरिद्वार मिलेंगे। ठीक है, तो इसी बात पे बउआ ने कैसे हवा से बातें करी सुनिए। हेलो भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते। कौन जी? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ और मेरे सामने मतलब हवा। हाय हाउ आर यू? हेलो, आप आदमी से बात करते हो? हाँ तो तुमसे करता रहूं। वाह वेरी गुड। आप औरत से बात करते हो? हाँ बिल्कुल करते हैं। बच्चों और बूढ़ों से बात करते हो? अरे सबसे करते हैं। कभी हवा से बातें करी है? अबे हवा से कौन बात करता है। हमारे साथ ना इस वक्त पता है कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? हाय आई एम हवा। भांग का रखी है क्या? भांग नहीं खा रही की। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हमारे साथ इस वक्त हवा जी आ गए। हवा जी एक सेकंड रुकना। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। हवा हवा हाय, व्हाट इज योर नेम? हवा। पूरा नाम? हवा हसन। क्या कर रहे? हवा से बातें कर रहे हो? एक सेकंड। माय ग्रैंडफादर इज तूफान। ओके। माय ग्रैंड दादी आंधी। अच्छा दादी आंधी, दादा तूफान। दादा तूफान दे। माय मॉम इज शीतलहर।
अच्छा मम्मी का नाम शीत लहर था, डैड मेरे लू हैं। लू लू यानी मम्मी पापा ने बचपन से ही ऑड इवन फॉलो किया। एग्जैक्टली मम्मी सर्दी में आती है, या या पापा गर्मी में आते थे। एक सेकंड, आपका कोई भाई बहन भी है? हाँ मेरी छोटी सिस्टर है, वो मोदी जी के टाइम बहुत चली थी। भाई साहब आप सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ। क्या नाम है उस बहन का? लहर, वो मोदी जी के टाइम बहुत चली लहर। के कोई भाई भी है? मेरा छोटा भाई अमेरिका में है, उसका नाम क्या? थंडर। ओ वाह, नॉट बैड। थंडर नहीं, उसका नाम क्या है? विंड नाम है। विंड नाम है। थंडर से तो वो शादी करने वाला है। ओ विंड वेड्स थंडर। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना बॉयज में आपस में तेरे। और कौन है आपके? मेरे फूफा जी हैं चक्रवात। चक्रवात वो बहुत तेज अपना कूड़े का काम करते हैं, घुमा के पीपल के पेड़ वाले ले जाते हैं इधर उधर। अब दो पीपल के पेड़ मैं लूंगा और तेरे दूंगा। आप पहले लेंगे तो ठीक है, आपने खुद मान लिया। एक सेकंड रुकिए, चाचा जी का क्या नाम है? पछुआ नाम है। पछुआ, पछुआ उनकी शादी चाची बयार से हुई। अच्छा, वो आम पकाते हैं पेड़ों। वेरी नाइस भाई। आप आपके लिए एक बिजनेस बता रहा हूँ, हवा हमारा हवा लात का भी काम है। अच्छा, पंखा बना के डंडे दो मारूंगा सारी हवा। कहाँ मारेंगे? वहीं पे हवा जाएगी अभी थोड़ी टाइम। चल फोन रख। इनको गैस की दिक्कत है शायद। हाँ, रेड एफएम मॉर्निंग नंबर वन रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। हेलो कौन? ऐसी दुनिया है ना मेरी, इस दुनिया में मतलब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, एग्जाम में फेल हो गया मैं। अबे एग्जाम में फेल होगा, पढ़ाई नहीं की होगी। अरे जब आप पढ़ाई करता कब मैं, समय कब है भाई साहब? हेलो, एक गलत मत बोले, मेरी बात सुनी। अबे तू जानता है कि एक से मेरी बात सुन लो, एक सेकंड मैं बताता हूँ। हाँ। पढ़ने का टाइम कैसे नहीं, साल में कितने दिन होते हैं? 365। हाँ। रोज आदमी 8 घंटे तो कम से कम सोता है। हाँ। तो 8 घंटे के हिसाब से 122 दिन हो गए। 365 में से 122 गए 243। गर्मी की छुट्टी 61 दिन की होती है। 182 243 में से 61 गए 182 दिन बचे। अब 52 रविवार आते हैं। हाँ। बचे 182 में से 52 गए 130। आप हो ना लाइन पे? हाँ हाँ बोल। खुद के फोन में भी कैलकुलेटर है। एक सेकेंड, 130 दिन बचे। हाँ। दीपावली होली 40 दिन की छुट्टी होती कुल मिला के वहाँ का। हाँ, होती है। 130 में से 40 गए 90। अबे तो ये सब तुम मेरे को क्यों बता रहे? एक सेकेंड, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास टाइम कब है पढ़ने का। तूने बोला ना मेरे को तू टाइम। एक मिनट सुनो, 130 में से 40 दिन होली दीपावली और अन्य छुट्टियों के गए 90 दिन बचे। कॉलेज फेस्टिवल स्कूल फेस्टिवल 15 दिन का होता है, 75 दिन बचे 90 में से 15 गए। खाने पीने नहाने के 3 घंटे के हिसाब से 46 दिन, 75 में से 46 गए 29। रोज 1 घंटे दोस्तों के साथ। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। 1 घंटे दोस्तों के साथ उसका हुआ 15 दिन, 29 में से 15 गए बचे 14। हैं 10 दिन तो हम लोग बीमार रहते ही हैं भाई साहब, डेंगू चिकनगुनिया कुछ तो होता ही है। हाँ, या पेट में टट्टियाँ लग जाती हैं वो तो होता ही है। हाँ लगेंगी तेरे टट्टियाँ तो लगेंगी तेरे। टट्टी सुन के कैसा हंस दिए ना आप। गलत बात बोलिए। तो 14 दिन बचे, 14 में से 10 दिन हम बीमार रहते हैं ये बताया, फिर 4 दिन। हाँ, हाँ, 4 दिन हाँ, बचे 3 दिन तो टीवी देखने में जाते हैं। अब बचा 1 दिन। हाँ, 1 दिन तो साल में बर्थडे भी आता है, आदमी बर्थडे के दिन पढ़ाई करेगा क्या? आप बताओ मेरे को। तेरी मुझे क्यों बता रहे हैं? गलत। तेरे पास फोन क्यों? लगता है रख दिया। हेलो। अबे चल मैं रख देता हूँ, तू बहुत ही खाली है ना? तू खाली है और पीली क्या है? पीली पीली साल। रख दे भाई रख दे। ओके बहुत बढ़िया, पढ़ाई कौन करेगा? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोलो नमस्ते। थोड़ा कंफ्यूज़ आ जाए और कुछ और बोले तो क्या करेगा? आइए सुनते बहुआ ने क्या मस्ती करी। हेलो। हेलो जी। हाँ जी, ये सोनू जी बात कर रही है? नमस्ते। नहीं तो कौन? अच्छा सोनू नहीं है तो कौन बोल रहे? बड़ा भाई बात कर रहा हूँ, बताइए किससे बात करनी है। मैं बउआ बोल रहा था, आपके ठेले पे नंबर देखा था। हाँ जी। शादी के लिए आप लोग ऑर्डर बुक करते हैं? हाँ जी करते हैं, बताइए। लिख लेंगे? हाँ जी लिखा। एक एक क्या? एक लड़की। हाँ एक लड़की। और उसके मम्मी पापा होने चाहिए। हाँ। और कोई भाई नहीं होना चाहिए लड़की का, क्योंकि सारी जायदाद मुझे मिलनी चाहिए। भाई किस चीज का ऑर्डर लिखवा रहा है? बता आपके ठेले पे क्या लिखा है? आपके ठेले पे क्या लिखा था? शादी का ऑर्डर। शादी का ऑर्डर बुक किया जाता है?
हाँ जी, तो शादी का ऑर्डर कर रहे हो ना, लड़की, माँ बाप, भाई नहीं चाहिए, 50-60 बढ़ाती। अब तेरा दिमाग खराब हो रहा है क्यों? आपने तो लिखा शादी का ऑर्डर। शादी का ऑर्डर लिखा तो क्या बोल रहा है, लड़की माँ बहन। तो शादी किससे करेंगे? लड़की से नहीं करेंगे। शादी में उसका परिवार नहीं आएगा, उसके भाई बहन नहीं होंगे क्या? यहाँ पर शादी के आइसक्रीम का ऑर्डर लिए जाते हैं। तुमने आइसक्रीम लिखा था उसमें? तुमने लिखा था शादी का ऑर्डर होता है। तो आइसक्रीम तो ठेले पे तुमने देखा नहीं, आइसक्रीम छपरी है उस पे सीख में लगी हुई। सीख में लगी हुई साले, तो मारूंगा वही आके। हाँ तू साले पिटने का काम मत ना करे, बहुत देर हो गई है। शादी का ऑर्डर दे रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हो? यहाँ आइसक्रीम का ऑर्डर लिया जाता है, आप काम धंधे की माँ बहन एक मत ना करनी है, वही आके तेरी कस्टमर से ऐसे बात करते हैं? कस्टमर की तो मैं कर दूँ अगर तू बोले तो। मैं तो ऑर्डर बुक करा रहा हूँ कि एक लड़की सुशील सुंदर बीए पास हो, वो बीए कर ले, मैं एमबीए करवा दूंगा। अब गलत बोल रहे हैं आप। अबे इतना मारूंगा, समझ में नहीं आई तेरे को? शादी का ऑर्डर, शादी का ऑर्डर, एक घंटा हो गई। हेलो, अब बोलेगा नहीं, गोली मार दूंगा। हाँ जी सर, नमस्कार, चेरू बात कर रहा हूँ उनसे। सर आपको डिटेल्स के लिए कॉल किया है सर, क्या डिटेल्स मिल सकती हैं? हेलो सर, चेरू बात कर रहा हूँ उनसे। बड़ी गाली दे रहे थे सर, मैं तो कुछ भी नहीं किया। हेलो, अभी इसी पे कोई और तू, अब कौन है? सर गाली मत दीजिए, गलत फहमी आपको ये, या कॉल आपकी रिकॉर्ड भी की जा रही है प्रशिक्षण हेतु। तेरा नाम क्या है? चेरू नाम है सर मेरा, चेरू। अच्छा, ये कैसा नाम रख दिया? नाम क्या, नाम से क्या लेना, डिटेल्स बताइए आप जल्दी से। की जल्दी जल्दी पूछ, क्या पूछ रहा है सर? आपको किस चीज का काम है, क्या कारोबार है सर आपका? मेरा आइसक्रीम का काम है। आइसक्रीम का क्या काम है सर? क्या लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, फैक्ट्री है, क्या है आपका? ठेला लगाते हैं, शादी पार्टियों में बुक भी करते हैं। बुक करते हैं तो हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए अगर बुक करते हैं तो। सर ओवर टू यू। हाँ जी। अरे शादी में बुक करते हैं जो एक लड़की, अबे इतनी गोली बस करिए। आपने बोला शादी में बुकिंग करते हैं, काम कर रहा नहीं कुछ, तूने बोला नहीं। चेरू 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 स्पीकिंग, फोन से घोड़ी बुक कर देंगे सर? घोड़ी नहीं, तेरा घोड़ा लगाऊंगा तेरे। हेलो बेटा की जी, काफी अच्छा लग रहा है कि ये मुद्दा जो है। हेलो, तो है क्योंकि इसमें सोचने की बात है कि कौन बोल रहा है? सॉरी कहीं फोन लगा हुआ है। देखिए देखिए संपर्क। हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकल। अंकल दिखूं तरह मैं? दिख तो वैसे भी नहीं रहे। हाँ तो आवाज से अंकल लग रहा हूँ क्या? सॉरी मैं बउआ बोल रहा हूँ, अगर आपसे दो मिनट मिल सके। कौन बउआ? से नहीं, बस है, बस है बउआ और बस है बैरागी जी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से बुलाने के लिए। बड़ा कौन है बैरागी जी? मैंने पहचाना बैरागी जी, हमारे एक्सपर्ट हैं, अगर आप तैयार हैं हम शुरू कर सकें तो मैं बता सकता हूँ आपको। अब क्या शुरू करना है? ये बहुत बड़ी चर्चा हर हफ्ते होती है, हमारे एक्सपर्ट बैरागी जी। और एक बार नमस्कार बोलिए। नमस्कार, बहुत बहुत और जनता की तरफ से एक सेकेंड, जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि हर हफ्ते चुना जाता है और इस बार आप चुने गए, जोरदार स्वागत है आपका। अरे मुझे कोई प्रतिनिधि बनना, मेरे को कोई दो मिनट दे दो, कोई जिम्मेदारी है कि नहीं आपकी? मैं बनना ना बनना है नहीं, आप बन चुके हैं। कैसे बन चुके? छोटा सा ब्रेक, ऐसे बन चुके हैं। अगर आप दो मिनट दें तो मैं आज का चर्चा का मुद्दा बताऊं। प्लीज मेरे पे एक मिनट नहीं है, तो दो मिनट प्लीज प्लीज मुझे मुद्दा सुनना है। एक बार खाली टाइम है क्या? एक बार प्लीज। क्या प्लीज? प्लीज। हाँ बोल। हामी भर दी इस प्रतिनिधि। बिल्कुल शुरू कर। जैसा कि आज का मुद्दा है, अक्सर ये कहते हुए हमने लोगों को सुना, भाई साहब आप हैं ना लाइन पे? अरे हाँ हूँ। हाँ, अक्सर लोगों को कहते सुना है कि जुम्मा जुम्मा चार दिन, चार दिन जुम्मा जुम्मा चार दिन हुआ। हाँ, तुझे जुम्मा जुम्मा चार दिन हुए आए हुए और तू बड़ा बात बती आ रहा है, इतना फैल रहा है। जैसे जुम्मा आज है जी, तो फिर जुम्मा आने में 7 दिन लगते हैं, 7 दिन, तो 4 दिन क्यों बोलते हैं? वो एक बड़ी भाई एक्सपर्ट बता। जुम्मे के दिन किया चुम्मे का वादा, इस गाने से प्रभावित होकर एक दीवाना पिच्ची, एक लड़का, क्या नाम था उसका? पिच्ची। पिच्ची साढ़े तेरे जैसे नाम है इसका, तेरे नाम था उसका। उसने जाकर अपनी महबूबा को कह दिया कि जुम्मे के दिन की चुम्मे का वादा, इसका इसका 4 दिन से क्या लेने देने। जैसे ही लड़की वालों ने वादा सुना, हाँ, वो हाँ। पिच्ची के पास आए और पिच्ची का सिर खोल दिया, सर खोल दिया, धो दिया उस बिंडे से। क्यों सर खोल दिया? क्योंकि लड़की वाले सहन नहीं कर पाए कि ऐसे खुले हम चुम्मे का वादा कैसे कोई करे। सही बात है, तो इसमें 4 दिन कैसे हुआ? तो पिच्ची अस्पताल में 3 दिन पड़ा रहा बेहोश, बेहोश शुद्ध बुद्ध उसकी, उसकी शुद्ध बुद्ध चली गई पता नहीं कहां। मैं शुद्ध बुद्ध बढ़ गई पर ये मनगढ़ंत कहानियां मन करेंगे। एक सेकंड देखिए, पिच्ची को जैसे ही होश आया 3 दिन के बाद, हाँ जी, तो पिच्ची भूल चुका था कि 3 दिन बीत गए।
अच्छा तो उसको लगा कि उसी दिन चोट लगी है, जुम्मे के दिन ही। जुम्मे के दिन ही। तो बच्ची ने उठते बोला कि ये जुम्मा आज है। हाँ। और पिताजी बोले नहीं, जुम्मा तो चार दिन बाद है। ओ वहीं से पिच्ची ने कहा कि जुम्मा जुम्मा चार दिन पिताजी। गंदा बोला आपने, मैं रोकना चाहूंगा। बैरागी जी एक्सपर्ट, अगर आपको कुछ कहना है तो सामने बोलिए। ऐसा मत बोलिए। पिच्ची का बड़ा भाई खिच्ची चाकू तेज करता है, बता दूं। इनसे क्या ही बात, इनसे क्या भाई, ये चर्चा यही समाप्त होती है। कैमरा मैन प्रकाश लोशन के साथ मैं नंदकिशोर बैरागी और मैं बहुआ और बड़ा। यहाँ फोन मत करिए, एक सेकंड। आज की चिट्ठी में फोन रख दिया लगता है। रिडक दिया फोन। किसकी चिट्ठी आई है? रोमानिया से सरला सोलंकी लिख रही है। यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम लिख रही है। एफ से रॉकिंग नहीं होता, एफ से तो Red FM presents India's number one show with India's number one RJ. Morning number one, bear on that, run that. Morning number one, bear on that. Morning number one, bear on that, run that. Morning number one, bear. एक बार फिर बजाओ। आजकल लोग बड़ा यहाँ वहाँ का बात करते हैं, लेकिन जनरल एक्नॉलेजमेंट उनका कैसा है, यानी जी के कैसा है? अबे एक्नॉलेजमेंट, सॉरी, उनका कैसा है? इसका मैंने को एक्सीडेंट किया। अरे को इंसिडेंट, सॉरी, तो जी के टेस्ट किया मैंने। सुनिए जरा इनके मजे लिए। हेलो हेलो हेलो, कौन? आप सो रहे हैं क्या? मैं रो रहा हूँ और तू सो रहा है। कौन बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। क्या नाम है? वो छोड़ के चली गई यार। तो मैं उसे बहुत प्यार करता था, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। अब स्कूल में टीचर बहुत मारते हैं। क्यों प्यार उससे करता? टीचर तेरे को मार दिए क्यों? क्योंकि टीचर ने पूछा भारत की राजधानी क्या है, मैंने बोला कुआलालंपुर। कुआलालंपुर क्या है? पहली बार हमारी मुलाकात बताई कैसे हुई थी, हम लोग बस में जा रहे थे। अच्छा। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, मैं उसके ऊपर गिर गया। उसने बड़े प्यार से पूछा था क्या कर रहे हैं। मैंने बोला दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहा हूँ। फिर बाद में इसी बात पे मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है ना, वो मेरे से प्यार करने लगी लेकिन छोड़ के चली। अच्छा हुआ तेरे को छोड़ के। छोड़ अच्छा हुआ। टीचर बहुत मारती है। टीचर ने पूछा गंगा नदी कहाँ से कहाँ बहती है, मैंने बोला बुढ़ाडी से भजनपुर तक। हेलो। मैंने उससे बोला मुझसे शादी कर ले, बोलती हूँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैंने कहा मैं कौन सा तेरी किताब फाड़ दूंगा, बताओ। और टीचर ने पूछा हमारे पहले गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, मैंने बोला हनी सिंह, मेरी पिटाई हो गई। अबे तेरी मैडम ये। अचानक आपकी नींद खुल गई, क्यों इतना गंदा बोल रहे हैं? बंदी मेरा दिल टूटा ना, इसलिए मेरे सारे सवाल गले तोड़ दें। तोड़ दूंगा। देखिए वो मत तोड़िए जो जुड़ ना सके। हेलो। तो बंदी ने मेरा दिल तोड़ा। अच्छा। और टीचर का इसलिए मेरे सारे सवाल गले तोड़ रहे हैं। माजरा ये माजरा, अब भारत की राजधानी क्या है, गंगा नदी कहाँ से कहाँ बढ़ती है, ये कैसे सवाल है? नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का शॉर्ट फॉर्म पता है क्या है? जीके। तो जब दिल ही टूट गया तो ये मैंने क्या बोला? जीके। क्या करेंगे जीके, क्या करेंगे? गलत बोल रहे हैं आप। क्या गलत बोल रहा है? उसने मेरा दिल तोड़ा है। और मैं तेरी तोड़ूंगा। नहीं, वो तो मत तोड़िए जो जुड़ ना सके। इंडियाज नंबर वन आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए, लॉग ऑन करो redfmindia.in। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफ एम, बजाते रहो।